हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय दिल खुश व्लॉग चैनल। आज मैं दलिया बना रही हूँ। दलिया को भून के रखना चाहिए हमेशा, और कम आँच पे भूनना चाहिए। भून के रखने से उसमें जाला या कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और थोड़े से मैं इसमें चावल डालूँगी और मैं मीठा दलिया बनाऊँगी। इस देखो दलिया कितना गंदा रहता है। मैंने इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रखा है। अब इसको 2-3 बार में पानी से अच्छे से धोऊंगी। देखो कितनी गंदगी है, इसमें धूल मिट्टी है। और मैं गुड़ में बनाऊंगी। आप चाहो तो आधा गुड़ आधी चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने ये नारियल लिया। देखो दोस्तों, हमारा दलिया कितना साफ़ हो गया है। कितनी धूल थी इसमें, ज़रूर धोना। हमारा तेल गर्म हो गया। मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। आप चाहो तो सौंफ भी डाल सकते हो। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें दलिया भूनूंगी। देखो दोस्तों, हमारा दलिया ब्राउन हो चुका है। इसको काला नहीं करना, बस हल्का ब्राउन सा करना है। मैं इसमें दलिया फ्राई करूंगी थोड़ी देर। देखो दोस्तों, मैंने इसको ज़्यादा नहीं भूना, क्योंकि मेरा दलिया पहले से ही भूना हुआ था, इसलिए मैंने उसको नहीं भूना ज़्यादा। मैंने पहले से ही भुनाई करके रखी हुई थी उसकी। और मैं इसमें अब 1 पिंच नमक डालूंगी। इससे ज़्यादा टेस्टी लगता है, ज़्यादा खाया जाता है। जो लोग नहीं खाते वो भी खाएंगे। ये मैं अलसी डालूंगी 1 चम्मच। बहुत हेल्दी होती है और सर्दियों में खानी चाहिए। मैं गुड़ में बना रही हूँ। आप आधा गुड़ आधा चीनी भी डाल सकते हो, और पूरी चीनी में भी बना सकते हो। मेरा दलिया अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें 3 कटोरी पानी डालूंगी। 1 कटोरी मैंने दलिया लिया है। 3 कटोरी का दोस्तों, मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाला है। और इसको मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। इसमें मैंने अभी चीनी वगैरह कुछ नहीं डाली है। आप चाहो तो इसको तेल में या देसी घी में, जिसमें भी पसंद करते हो उसमें बना सकते हो। मैंने रिफाइंड में बनाया है। देखो दोस्तों, मैंने इसमें टोटल 4 कटोरी पानी डाला है। 1 कटोरी मेरा दलिया था, 1.25 कटोरी दलिया था, और 1 मुट्ठी मेरे चावल थे। चावल की वजह से मैंने एक थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा डालना पड़ा है। मैंने 4 कटोरी पानी डाला है इसमें। अभी हमारा दलिया अच्छे से पक चुका है। अभी हमने चीनी गुड़ कुछ नहीं डाला है। अब मैं डालूंगी इसमें, ये मैंने 1.25 कटोरी गुड़ डाला है कूट के। आप चीनी भी डाल सकते हो। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। और अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी मीडियम आँच पर। अच्छे से भून लूँगी मैं इसको। अब मैं पानी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करूँगी, बस इसको भून लूँगी। अच्छे से भुनाई करूँगी इसकी, प्यार प्यार से भुनाई करूँगी, घुमा घुमा के। अभी मैं इसमें 1 कटोरी ये नारियल डाल रही हूँ। ताज़ा नारियल है, मैंने इसको कट करके डाला है। देखो दोस्तों, मेरा दलिया अच्छे से तैयार हो गया है। आप ज़्यादा घी डालना चाहो तो ज़्यादा घी डाल के भी भून सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा घी भी यूज़ नहीं किया है। देखो हमारा बिल्कुल सूखा दलिया तैयार है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। गर्मा गर्मा गर्म दलिया खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बारी बनाओगे, बार बार बना के खाओगे। आप मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें।